तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने दो ठो CRT टीवी की किट पड़े हैं जो कि लगभग सेम जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। देख सकते हैं, पर अलग अलग कंपनी के हैं और दोनों अल्ट्रा स्लिम हैं, है ना दोस्तों। ये भी अल्ट्रा स्लिम है और ये भी अल्ट्रा स्लिम है। तो इसको एक जो मैकेनिक है दोस्तों अपने वो दिए हैं रिपेयरिंग के लिए इस, और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों उसको बताया है कि इसका जो है वर्टिकल आईसी बार बार उठता है, है ना। तो मेरे पास जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम किट जैसे लग रहे हैं। तो इसके इनके में जो पार्ट्स लगे हैं दोस्तों, इनके पार्ट्स को हम इन लोग इसमें लगाएंगे और देखते हैं वर्टिकल आईसी उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो उनका कहना है कि वर्टिकल आईसी बार बार उड़ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो मैकेनिक हैं वो यहाँ पे जो आईसी है दोस्तों, ये देखिए वर्टिकल आईसी, वर्टिकल आईसी को अभी चेंज किए हैं, देख सकते हैं सोल्ड उल्ट किए हैं। और इसका जो नंबर है दोस्तों वो है 78040, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जब भी आप अल्ट्रा स्लिम का किट चालू करें या तो अल्ट्रा स्लिम टीवी के में वर्टिकल आईसी लगाएं तो 78041 लगाएं या तो फिर 78141, ठीक। जो कि इसमें दोस्तों इसका जो लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ओरिजिनल इसमें लगा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ डालेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें जो बताया है कि ये वर्टिकल ऐसे बार बार उड़ जाता है, तो बार बार उड़ जाता है जिसकी वजह से फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वर्टिकल ऐसे का जो सप्लाई पिन गया है दोस्तों, सप्लाई जैसे कि इसको पलट के दिखा देते हैं आप लोगों को। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि वर्टिकल ऐसे का जो सप्लाई पिन है वो यहाँ आया है, ठीक है, ए वाले ट्रैक में, ठीक, ए वाले ट्रैक में आया है। और ए वाले ट्रैक दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिखा है रजिस्टर, इसके जरिए गया है। तो हम लोग ए वाले रजिस्टर को भी चेंज करेंगे, है ना, चेंज करेंगे ए वाला रेजिस्टेंस। रजिस्टर दोस्तों कभी कभी इसका वैल्यू चेंज हो जाता है जिसकी वजह से इस टाइप से फॉल्ट आता है। तो ये वाला रजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है, दिखाना चाहूँगा, ये कैपेसिटर के बगल में ये वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी चेंज करेंगे दोस्तों। और एक तो इसमें जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है दोस्तों मेरे को, वो है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस या रजिस्टर जो भी बोलिए, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला जला हुआ है। तो हम लोग को भी यहाँ से जो जो पार्ट्स मिलते हैं उसको हम लोग इसमें रिप्लेस करेंगे। उसके बाद फिर इसको हम लोग पिक्चर ट्यूब में लगाएंगे, पिक्चर ट्यूब में किस टाइप से दिखाई दे रहा है दोस्तों तो फिर पता चलेगा, है ना। तो अभी जो फ़िलहाल हम लोग करना है क्या है, वर्टिकल आईसी को ओरिजिनल लगाना है इनकी 78141, है ना, जबकि इसमें 40 लगाया हुआ है। और यहाँ का है इसको हम लोग निकाल के यहाँ डालेंगे, है ना, या तो फिर मेरे पास होगा तो उसको भी निकाल के डाल सकते हैं। और दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, जो जला हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा जो है दोस्तों उसका कहना था कि इसका आईसी बार बार उड़ जाता है यानी कि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से जो सप्लाई गया है वर्टिकल आईसी में जो सप्लाई गया है, जो सप्लाई वाले रेजिस्टेंस को भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को फिर दिखाते हैं कि क्या होता है, है ना। पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर पिक्चर ट्यूब में लगाएंगे और जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और लास्ट में बताएंगे कि वर्टिकल आईसी के शॉर्टिंग हो जाने के यानी कि कार बार बार ख़राब होने का क्या रीज़न रहता है, है ना, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और कुछ अल्ट्रा स्लिम किट के बारे में नॉलेज देंगे, क्योंकि अल्ट्रा स्लिम किट है दोस्तों, देख सकते हैं ये देखिए दो टो बड़ा बड़ा कॉयल दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बूस्टर लगे हुए हैं, सेम यहाँ भी देख लीजिए ये कॉयल और यहाँ पे बूस्टर लगे हुए हैं, है ना। इससे भी देख के पता चल जाता है कि अल्ट्रा स्लिम है। और इसका जो हीट सिंक है उसको भी देख लीजिए, बहुत बड़ा है। और यहाँ भी ये वाला हीट सिंक भी नॉर्मल किट से बड़ा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं, चेंज कर लेते हैं उसके बाद, ठीक।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो रेजिस्टेंस आईसी चेंज किया है मैं कर दिया हूँ, जिसमें 78 040 है, ठीक है। इसके जगह मैं 78 141 डाल दिया हूँ। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को आप देख सकते हैं ये भी पूरी तरह से जल चुका है, जो कि यहाँ का था ये वाला, है ना। अब सामने की ओर देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर ट्यूब रखा हुआ है। अब इसको यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट देखते हैं लगा के और पिक्चर आता है कि नहीं आता है और क्या प्रॉब्लम इसमें दिखाई देता है, लगाने के बाद ही पता चल पाएगा। तो अल्ट्रासलिम पिक्चर ट्यूब का आप देख सकते हैं ये कॉइल अलग रहता है, पीछे की ओर चपटा हुआ रहता है ना। और इसमें जो है इसका हीट सिंक हैवी दिया रहता है और साथ ही इसमें कॉइल लगे होते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर जैसे दिखाई दे रहा है, एक कैपेसिटर जैसे पर एक कॉइल है। और इसमें बूस्टरों की संख्या ज़्यादा होती है, जो कि ये बूस्टर देख सकते हैं यहाँ पे बूस्टर लगे हुए हैं। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये अल्ट्रासलिम का है। और पिक्चर ट्यूब को भी ठीक से देख लीजिए, इस तरह से रहता है पिक्चर ट्यूब, जो कि पीछे की ओर चपटा हुआ रहता है और नॉर्मल टीवी में आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको ज्वाइंट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, कैमरा को अपनी जगह में स्थिर रखते हैं। तो दोस्तों मैं कैमरा को अपनी जगह में सेट कर लिया हूँ और हम लोग जो किट दिए हैं इसको पिक्चर ट्यूब में लगाते हैं। हो गया दोस्तों, और इसका ये बेस का सॉकेट और इसका ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमने को देखना है ये कॉइल का कनेक्शन, ठीक है। ये कॉइल का जो कनेक्शन है दोस्तों उसको हम लोग पीछे की ओर से डालेंगे मिला के, जैसे कि ये हो गया रेड का हॉरिजॉन्टल का, यहाँ से देख सकते हैं लाल वाला वायर। तो अपने को चेक ही करना है केवल, इसलिए इधर से ही जोड़ देते हैं। इसका दूसरा जो दोस्तों जो नीला वाला है देख सकते हैं, हर जनरल का ये वाला है और ये वाला, तो ये वाला नीला वायर है और नीला यहाँ से देख सकते हैं ये वाला है। इसके सेकंड टर्म एल्यूमिनियम में, यानी कि यहाँ पे और दो ठो बचा दोस्तों पीला और हरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये पीला वाला वायर ये है और हरा वाला वायर ये है, तो वर्टिकल को किसी में भी हम लोग उड़ा सकते हैं और जो अंतर आएगा वो आएगा दोस्तों पिक्चर उल्टा दिखाई देगा अगर कनेक्शन उल्टा रहेगा, तो इसको हम लोग बाद में भी सही कर सकते हैं। पर दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप वर्टिकल को वर्टिकल में डालें और हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल में डालें, नहीं तो फिर आपका वर्टिकल ऐसे ख़राब हो जाएगा दोस्तों। ये रहा, इसको डाल दिया, इसमें डालेंगे दोस्तों मेन है जो कि मेरे पास ये देख सकते हैं रखा हुआ है एक छोटा सा, दोस्तों मेन वायर का कनेक्शन यहाँ से है, हम लोग को पीछे से ही देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा वायर कहाँ का है। तो आप लोग पलट के सीधा करके देख लीजिएगा ठीक से, तभी मेन वायर को मेन सही जगह में लगाइएगा वायर को, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों।
तो मैं जोड़ दिया हूँ दोस्तों इसमें सभी चीज़ को, और इसको डालते हैं लाइट में। सबसे पहले तो स्विच बोर्ड में क्या स्थिति है, तो इस टाइप से इसमें चल रहा है दोस्तों, है ना। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं कहीं ज़्यादा वादा तो नहीं, ग्राउंड को ग्राउंड में। ऐसा लगता है कि आउटपुट शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों बड़ा यह कॉइल है, है ना। फिर भी हम लोग इसमें एक बार वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं कहीं चार्ज वार्ज नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। प्लस इसको आउटपुट ट्रांजिस्टर जो लगा है उसको शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो ए भी शॉर्ट नहीं है दोस्तों, एक बार इसको डायरेक्ट डाल के देखते हैं क्या स्थिति है। तो डायरेक्ट इसको डाले तो टीवी ऑन हो गया है दोस्तों, और सामने की ओर जाकर देखते हैं क्या है। तो टीवी का स्क्रीन सही हो गया है दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को सामने की ओर से जाकर दिखाना चाहूँगा। टीवी ऑन हो गया है और आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि टीवी अच्छी तरह से चालू हो गया है, और जो लाइनिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों उसको थोड़ा सा देखते हैं, वो भी ठीक हो जाए तो ठीक है। बाकी टीवी